हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल, योर होम टू ऑल द बीएड लेसन प्लान्स एंड माइक्रो टीचिंग प्लान्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना इतिहास की हिस्ट्री का एक लेसन प्लान, जिसका हमारा जो टॉपिक है हुमायूं है। ठीक है, सो ये हमारा लेसन प्लान का पाठ योजना का जो है मेन पेज होता है, जहाँ पर सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। चक्र यानी कि पीरियड होता है। फिर सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, और फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जो कि हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, तो जो भी हम टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई चार्ट या मॉडल वगैरह, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले जो नॉलेज स्टूडेंट के पास होना चाहिए, वो हम यहाँ पर मैंशन करते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में दो कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक के द्वारा 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो छात्रों के द्वारा दिए जाएंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि जब उनका छात्र उत्तर करें तो फाइनली वो हमारे टॉपिक तक पहुंच जाएं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमेशा समस्यात्मक होगा और टॉपिक के ऊपर होता है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर छात्र अध्यापक बोलता है कि छात्रों, आज हम जो भी हमारा प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है, जहाँ पे हम 5 कॉलम्स बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया। शिक्षण बिंदु मतलब जो हमारा टीचिंग पॉइंट होता है, और छात्र अध्यापक क्रिया में उसके ऊपर 2 विकासात्मक प्रश्न हम चलाएंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न, दो दो हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए। और विकासात्मक प्रश्न एग्जैक्ट हमारे टीचिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे मतलब रिलेटेड होना चाहिए कि उससे वो चीज़ हम लेके आएँ उस पे, अपने टॉपिक पे। ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हर एक टीचिंग पॉइंट का रहेगा। और विधि या प्रविधि में जो भी, जैसे हम प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, जब एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे तो इसके सामने एक्सप्लेनेशन व्याख्यान विधि लिखेंगे। श्याम पट्टकार में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशन होती हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ऐसे दूसरा टीचिंग पॉइंट, उसके लिए 2 विकासात्मक प्रश्न और एक्सप्लेनेशन। फिर से तीसरा टीचिंग पॉइंट, 2 विकासात्मक प्रश्न, एक्सप्लेनेशन। बोधात्मक प्रश्न पूरे पाठ योजना पर आधारित होते हैं, जैसे कि मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है उससे 3 से 5 प्रश्न हम पूछेंगे, और उनके उत्तर नीचे श्याम पट सारांश में लिखे जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर पहले एंट्रीज फिल करी जाएंगी और फिर आंसर्स लिखे जाएंगे। यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया गया, और उसके ऊपर हमने जो है सिल्वर स्पार्कल पेन का यूज़ किया है। फिर निरीक्षण कार्य, कक्ष निर्देश और कक्ष निरीक्षण होता है, जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा जो है बोला जाता है कि यहाँ पे छात्रों को निर्देशित करता है कि वो श्याम पट्टकार को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें, और वो स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम सही गलत, खाली जगह भरो या मिलान करो, इसमें से कुछ भी हम बना के दे सकते हैं। फिर गृह कार्य, 2 गृह कार्य दिए जाते हैं, पहला रिटन वर्क होता है और दूसरा कुछ एक्टिविटी बेस्ड होगा तो कुछ करने के लिए दिया जाएगा। फिर हम यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।